रेखा कक्कड़ और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक नहीं दो दो रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ जो कि ना कि टेस्ट में बहुत बढ़िया है बल्कि हेल्दी भी हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको घर में पड़े हुए आसानी से इंग्रेडिएंट जो मिल जाते हैं उनके साथ आप इनको बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे टिफ़िन में सर्व कर सकते हैं, स्नैक में या लंच में, ब्रेकफास्ट में, किसी भी रूप में आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही टेस्टी बनती हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा, आसानी से मिलने वाले सामान के साथ। तो चलिए आज बनाते हैं दो टाइप्स के डोसास। जो आज की हमारी पहली डिश है वो बिलोंग करती है महाराष्ट्र से। एक महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट बनाएंगे जिसका नाम है जवारीचे दिरडे। आई डोंट नो प्रोनंसिएशन ठीक है या नहीं, अगर नहीं है तो आप मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए कि ये प्रोनंसिएशन ठीक थी या नहीं थी। बट एनीवेज लेट्स गो अहेड विद द रेसिपी। जवारीचे दिरडे या जवार का डोसा हम इसको बनाएंगे जवार के फ्लोर के साथ, जो काफ़ी टेस्टी है, न्यूट्रिशियस है, ग्लूटेन फ्री है। और आपको इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी भिगाने, सोक करने, ओवरनाइट सोक करने या थोड़ी देर सोक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएटली 5 मिनट्स में इसका बैटर रेडी कर सकते हैं और बना सकते हैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये जवारीचे दिरडे या डोसा बनाने के लिए मैंने 1 कप जवार का आटा लिया है, करीबन 2 बड़े चम्मच राइस का आटा, 1 बड़ा चम्मच सूजी का, थोड़े से इसमें डाल दिए चॉप्ड अनियंस, करी लीव्स, चॉप धनिया, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, चॉप्ड ग्रीन चिलीज और करीबन 2 कप पानी। पानी यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक थिन सा उसका बैटर बना लेना है। ये जो बैटर है काफी पतला बनता है, और अब इस बैटर को 10 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। तो जब तक बैटर को हम रेस्ट करते हैं, इसके साथ सर्व करने के लिए बना लेते हैं एक बढ़िया सी चटनी। चटनी बनाने के लिए मिंट लीव्स को अच्छे से हमने वॉश कर लिया, उसके बाद उसके पत्ते तोड़ लिए, इसको पीस लेना है, हरी मिर्च, हरा धनिया, भीगी हुई मूंगफली, थोड़ा सा शुगर, नमक, भुना हुआ जीरा और बहुत सारे नींबू के रस के साथ। जब भी आप हरी चटनी बनाई है उसमें आइस क्यूब ज़रूर डालिए, क्योंकि इससे चटनी का ग्रीन कलर बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। जब वो बनेगी तो बहुत ही ग्रीन और ब्यूटीफुल नज़र आएगी। ये हो गई है तैयार एक मज़ेदार खट्टी मीठी तीखी सी हरी चटनी। अब बना लेते हैं इसका डोसा। उसके लिए सबसे पहले आपको तवे को गर्म करना है, उस पर हल्का सा पानी का छींटा देना है ताकि तवा एकदम तेज़ गर्म ना हो। इससे क्या होगा कि ये स्टेप करेंगे तो आपका डोसा बिल्कुल चिपकेगा नहीं और क्रिस्पी भी बनेगा। अब ये जो थिन बैटर हमने बनाया था, देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन होनी चाहिए। तवे पर हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर को स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा 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 डालते हुए आप पूरे तवे पर फैला दीजिए। अब इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम तक क्रिस्प होने तक पकाना है। इसको कुक करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नीचे घी भी डाल दीजिए, सो दैट अच्छे से ये क्रिस्प अप हो जाएगा। उसके बाद इसको फोल्ड करके ग्रीन चटनी या कोकोनट चटनी के साथ सर्व कीजिए। मैंने इसको किया है जो हमने अभी ग्रीन चटनी बनाई थी उसके साथ। तो आज की हमारी सेकंड रेसिपी है मूंग दाल और पनीर डोसा। एक बहुत ही हाई फाइबर, रिच इन प्रोटीन डिश है ये। आप इसे ब्रेकफास्ट स्नैक या टी टाइम स्नैक कैसे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड ईजी टू मेक है। मूंग दाल और पनीर का डोसा बनाने के लिए हमने मूंग दाल को पहले से 5-6 घंटे के लिए भिगा दिया था। इसको अच्छे से भिगाना या फुलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये स्मूथ पेस्ट बने। भीगने के बाद इसको पीस लीजिए ग्रीन चिलीज के साथ। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। इस बैटर को बोल में निकाल लीजिए और डाल दीजिए 1 टीस्पून पिसी हुई अदरक, सॉल्ट एंड उसके बाद थोड़ा सा पानी डालिए। इसका थिक सा बैटर बनाना है। बैटर थिक होना चाहिए बट स्प्रेडेबल भी होना चाहिए ताकि उसको आप तवे पर फैला सकें। अब इस बैटर को थिक लेयर में तवे पर फैला दीजिए और उसमें डाल दीजिए ग्रेटेड पनीर, चॉप्ड पनीर फॉर द डिफरेंट टेक्सचर, क्योंकि इन दोनों का टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर डाला है और थोड़ा सा चॉप करके।
और इसको अच्छे से पकाने के लिए हमें थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा ताकि मूंग दाल अच्छे से पक जाए। इसको मीडियम हीट पर 3-4 मिनट्स के लिए पकाना है। ज़रूरत के अनुसार इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए और अच्छे से पक जाए। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बन गया है। योर हाई प्रोटीन हेल्दी मूंग दाल डोसा इज रेडी। सर्व इट आइदर विद द ग्रीन चटनी और द कोकोनट चटनी एंड एंजॉय। तो आज हमने बनाए 2 टाइप्स ऑफ डोसा। तो मुझे उम्मीद है आप दोनों रेसिपी लाइक करेंगे और आप इसको दोनों को ट्राई ज़रूर करके देखेंगे। एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए, खुद खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आपको रेसिपी अच्छी लगी तब भी, अगर नहीं अच्छी लगी तब भी, और उसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आप ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताइए।